स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि दो जो न्यूरल डिसऑर्डर है अपने जो ड्यूरिंग स्टडी के दौरान रह गए थे, उसमें पहला स्टडी जो मैंने फ्राइडे क्लास में आपको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की क्लास दी थी, आज भी ले रहा हूँ न्यूनेटल कन्वर्जेंस, जो कि न्यूनेटल में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है ये डिसऑर्डर। तो जो न्यूनेटल कन्वर्जेंस है, न्यूनेटल कन्वर्जेंस आर कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी होती है इन द केयर ऑफ इन द न्यू बॉर्न ड्यू टू सेरेब्रा एंड बायोकेमिकल जो डिसफंक्शंस है उसके कारण से कि जो डिसऑर्डर है डेवलप होता है न्यूनेटल में, और इसके कई कॉज और कई टाइप्स होते हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूनेटल कन्वर्जेंस है आर मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी ड्यू टू सेरेब्रा एंड बायोकेमिकल डिसफंक्शन इन द न्यू बॉर्न एंड इंक्रीज द हाई मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, जो कि हाई मोर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब लेते हैं इसमें डेफिनेशन क्या होती है कन्वर्जेंस की। न्यूनेटल सीजर इज ए मोस्ट कॉमन प्रॉक्सिमल बिहेवियर कॉज बाय हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी जो न्यूरल सीजर्स वाली कंडीशन है ये मोस्ट कॉमन होती है। एक प्रॉक्सिमल बिहेवियर होता है जो हाइपरसिंक्रोनस के डिस्चार्ज कारण जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है उसके कारण से डेवलप होता है। हाइपोसिंक्रोनस क्या करते हैं, जो ब्रेन के अंदर हेमिस्फीयर है उनको एक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर ये डिस्चार्ज होंगे तो इस टाइप कंडीशन की इंक्रीज यानी कन्वर्जेंस कंडीशन जो है डेवलप होती है। एंड न्यूरोनल सीजर्स इज ए मोस्ट कॉमन या ओवरएक्ट मैनिफेस्टेशन डिसफंक्शन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इज द न्यू बॉर्न, यानी इस जो बायोकेमिकल का डिसफंक्शन है जो न्यू बॉर्न में मोस्टली पाया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है। अब देखते हैं इसमें इसकी इडियोलॉजी क्या होती है। इडियोलॉजी में जो पहला है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन में पहला है कॉन्जेनिटल हाइपोसिफेलस दूसरा है माइक्रोसेफेली तीसरा सेरेब्रल डिजेनेसिस चौथा कॉन्सेफेली पांचवा माइग्रेट सेफेली
साधु हैं, वे यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एजिएसिस कॉर्पस पॉलिसम। तो पहले कहते हैं कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिफिलस। यदि कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिफिलस जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है वो बिल्डअप होता है ब्रेन के अंदर, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिफिलस। सेकेंड जो कंडीशन होती है माइक्रोसिफिलिस, इसमें क्या होता है जो कंडीशन होती है इसमें ब्रेन का जो हेड सेफलस है वो एब्डोमिन होता है देन नॉर्मल से, तो ये कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिफिलिस। थर्ड होता है सेरिब्रल डिजेनेसिस, यानी जो सेरिब्रल है यानी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो एब्डोमिन टाइप से होता है, इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल डिजेनेसिस, जो कि डेट अकर इन यूटेरो यानी यूटेरो यानी गर्भावस्था के दौरान ये कंडीशन डेवलप होती है जो होते हैं सेरिब्रल डिजेनेसिस। नेक्स्ट है फोरन सेफेलिक, ये एक प्रकार का सेफेलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इंक्लूडिंग दस जो एक सिस्ट और कैविटीज और भी हेमिस्फीयर एब्नॉर्मलिटी होती है, इसको बोलते हैं हम फोरन सेफेलिक। नेक्स्ट है आपके हाइड्रल सेफेलिक, इसमें क्या होता है हाइड्रल सेफेलिक में इसमें क्या ब्रेन का जो है हेमिस्फीयर है वो एक पार्ट ही इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रल सेफेलिक। डिसेंट सेफेलिक में क्या होता है इसमें जो ब्रेन का पार्ट है वो स्मूथ होता है, जिसको कंडीशन को बोलते हैं हम डिसेंट सेफेलिक। यानी दूसरा है एजिनेसिस कॉर्पस पॉलिसम, यानी इसमें जो एजिनेसिस है ब्रेन के जो पार्ट्स है वो एब्सेंट होता है ब्रेन के सरफेस एरिया से, तो जिस कंडीशन को बोलते हैं हम एजिनेसिस कॉर्पस पॉलिसम। तो ये न्यूरोलिक डिसफंक्शन होते हैं या डिस्टर्बेंस बोलो आप, जो पहला कारण है कन्वर्जेंस में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन या डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो होता है पेरिनेटल, ये क्योंकि पहला कारण, दूसरा इसके अंदर मैंने बता दिया आपको कुछ होते हैं और पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन। हाइड्रोक्सी डिसेफेलिक इनसेफेलोपैथी पहली कंडीशन इसमें होती है, दूसरी बर्थ एस्फिक्सिया, तीसरी बर्थ इंजरी या इंटरक्रेनियल हेमरेज जो पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर आते हैं जो कन्वर्जेंस कंडीशन को डेवलप करते हैं। थर्ड जो होता है पेरिनेटल इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, सेप्टिसीमिया है, टॉर्च जो कि इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन के कारण होते हैं, तो वो कंडीशन आती है पेरिनेटल इन्फेक्शन में। और जो कारण होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, मेटाबॉलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बॉडी के अंदर जैसे कि नाइट्रोजन है सॉरी ये प्रोटीन से है तो हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम से हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, जैसी कंडीशन डेवलप होती है फोर्थ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए। तो ये भी कन्वर्जेंस कंडीशन के अंदर डेवलप होता है या हाइपोनेट्रीमिया, जैसी कंडीशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फील होती है। पांचवा जो है आपका लास्ट ड्रग डिसऑर्डर, यानी नार्कोटिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, यदि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स का लेना जैसे कि प्रीक्लैम्प्सिया कंडीशन में थियोफाइलिन प्रोमेथाजन जैसी कंडीशन में ड्रग्स जोड़ी जाती है जो कन्वर्जेंस जैसी कंडीशन को डेवलप करती है, इसको बोलते हैं ड्रग डिसऑर्डर या ड्रग इंड्यूस के कारण प्रेगनेंसी में दौरान ये न्यूनेट्स के अंदर आफ्टर बर्थ जिसका साइड इफेक्ट कन्वर्जेंस जैसी कंडीशन में डेवलप होता है। अब लेते हैं हम इसमें इटियोलॉजी हो गई आपकी कंप्लीट। इटियोलॉजी में पांच जो कारण मैंने बताए हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दूसरा पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन, तीसरा पेरिनेटल इन्फेक्शन, चौथा आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पांचवा आपका ब्लड डिसऑर्डर।
अब लेते हैं हम इसमें टाइप्स के जो कॉलोनाइजेशन कंडीज में कितने टाइप्स होती है। टाइप्स में पहला है सेप्टल, दूसरा टोनिक, ये सभी कंडीशन जो है कॉलोनाइजेशन की है ना, ये टाइप्स बोल लो कि ये यूनिट्स में अलग अलग टाइप्स के कॉलोनाइजेशन होते हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये सेट कन्वर्जेंस, क्रोनिक कन्वर्जेंस या सिग्नल, बायोफोनिक, फिर फोकल, टोनिक वाले जो सिम्टम है या कल्चरल सिम्टम है उसमें नहीं होते। नेक्स्ट है टोनिक, इसमें क्या होता है जो मसल्स ऑफ द स्टिफनेस एंड टाइटनेस, मसल्स का स्टिफ और टाइट होता है, इसमें बच्चा एकदम से टाइट अपने मसल्स को कर लेता है और कभी टाइटनेस करता है, और ये जो कंडीशन होती है ज़्यादातर ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद के दौरान होती है, आती है जो 20 सेकेंड तक रहती है। थर्ड आती है क्रोनिक, क्रोनिक में क्या होता है इस कंडीशन में जो फोकल एंड मल्टीफोकल से ये फोकल से स्टार्ट होती है और ब्रेन के दोनों भाग को यानी मल्टीफोकल कंडीशन को इफेक्ट करती है, जिसको जनरलाइज क्रोनिक भी कहा जाता है, और ये ब्रेन के दोनों भाग को इफेक्ट करती है। ये कंडीशन काफ़ी रेयर होती है क्रोनिक या माइक्रो। नेक्स्ट है आपके इसमें ये जो कंडीशन होती है माइक्रोनिक, ये ब्रीफ लाइक जर्किंग, इसमें क्या होता है जो होते हैं रिदिमिक झटके होते हैं, जर्किंग रिदिमिक झटके यानी एक अंतराल से आते हैं, और इसमें जो होते हैं झटके जो ब्रीफ लाइक जर्किंग होते हैं, ये जो झटके हैं ये जर्किंग है जो मसल्स एंड ग्रुप ऑफ द मसल्स के कंडीशन में इस कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट लास्ट है आपका फोकल्स, फोकल्स में क्या है ये ब्रेन के सिर्फ पार्शियल कन्वर्जन जिसको कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के एक पार्ट्स को ही इफेक्ट करती है, यानी कि एक हेमिस्फीयर जो ब्रेन का एक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है दूसरा पार्ट हेमिस्फीयर, सेकेंड हेमिस्फीयर, जो ये सिर्फ एक पार्ट्स ब्रेन के एक पार्ट्स को हेमिस्फीयर को इफेक्ट करती है, और ब्रेन में चार लोग होते हैं वैसे। तो ये जो है टाइप्स है कन्वर्जेंस के, फीचर्स के, पहला है सब्टल, टोनिक, क्रोनिक, माइक्रोनिक एंड फोकल। इसके बाद लेते हैं जो है कि अगर कन्वर्जेबल कंडीशन है तो उसको हम किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए पहले इसको जो है सपोर्टिव थेरेपी, दूसरी मैनेजमेंट थेरेपी या एंटी कन्वर्जेंस थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में जैसे अगर कन्वर्जेंस कंडीशन होती है तो हमें साइड लाइक पोजिशन आई विल लाइक स्टार्ट और प्रिवेंट द इंजरी, क्योंकि कन्वर्जेंस के दौरान टंग टाइप जैसी इंजरियाँ काफ़ी हो सकती है बच्चों में, उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए ये जो सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है पहले साइड लाइक पोजिशन, आई विल लाइक ऑक्सीजन थेरेपी एंड हाइपोथर्मिया जो प्रिवेंट करने के लिए जो वार्म कंडीशन है उसको दी जाती है। अब लेते हैं नेक्स्ट एंटी कल्चर थेरेपी, एंटी कल्चर में जैसे ड्रग्स है इनको बाद में एंड कैनोटॉइन और कोई लोरा जी पाम जैसी या डाई जी पाम जैसी इसमें इसमें देते हैं अगर सीवियर कल्चर थेरेपी। तो
फिनोबार्बिटोल, फेनोटोइक, राइबोफ्लाविन, एंटीग्लिसरीन इसमें दी जाती है, एंटीग्लिसरीन दर्ज की जाती है तो प्रिवेंट ऑफ ग्लाइकोजन कंडीशन। और साथ में आयरन में B5 डेक्सट्रोज 5% 5 mg एजिटेट टेक्सा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन में होती है जैसे कि बताया मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, तो उन कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। ग्लूकोनेट पर वेट के अनुसार, तो ये हुई आपकी एंटी कार्बोलिक थेरेपी और जो मेडिकल थेरेपी इंक्लूडेड। आई विल इसमें इमीडिएटली चालू करना पड़ता है नेक्स्ट इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट जो से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कंडीशन से वो ड्रग्स इसमें दी जाती है नेक्स्ट एंटी कार्बोलिक थेरेपी में फिनोबार्बिटोल, फेनोटोइक एंड राइजोकार। तो अब लेते हैं इसमें प्रोग्नोसिस, क्या इसको कैसे इसमें प्रोग्नोसिस क्या होता है, जो गेटोटेक रिमेजेंस है उसका प्रोग्नोसिस गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें 40% जो है यूनिट्स की जो है द प्रोग्नोसिस इज गुड इन हाइपोकैल्शियमिया कन्वर्जेंस, यानी सिर्फ हाइपोकैल्शियम कंडीशन है उसी में ये अच्छा रिजल्ट देता है। अबाउट 1/4 40% न्यूरोटिक यूनिट कन्वर्जेंस डाई, यानी 40% जो है इस कंडीशन में डाई यानी जीवित नहीं रहते। बर्थ ट्रोमा एंड हाइपोक्सिया आर हैविंग बैड प्रोग्नोसिस, जैसे बर्थ ट्रोमा और हाइपोक्सिया आर बैड प्रोग्नोसिस है क्योंकि इन कंडीशन में हम प्रोग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। एमएक्स सर्वाइवर 25% सर्वाइव फ्रॉम रिकरेंट कन्वर्जेंस एंड न्यूरोडेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। तो ये कंडीशन जो है ये डिसऑर्डर है न्यूरोटल पे कंप्लीट हो गया आपका न्यूरोटल कन्वर्जेंस। थैंक यू एवरीवन।